नमस्कार, मैं तनु शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मौसम विभाग ने यूपी के 27 जिलों में तूफान की दी चेतावनी, सभी डीएम को जरूरी तैयारियां करने के निर्देश। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में 24 से 28 मई के बीच तूफान की चेतावनी दी है। इसके लिए संबंधित जिलों के लोगों को खुद भी अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके साथ ही डीएम को जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग की ओर से संबंधित जिलों के डीएम और राहत आयुक्त को अलर्ट किया गया है। इन जनपदों के लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर निगाह रखें और यथासंभव खुद सुरक्षित स्थान पर रहें। मौसम विभाग की ओर से मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संबल, बदायूं, कासगंज, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, श्रीवास्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर, महाराजगंज और कुशीनगर जनपद को अलर्ट किया गया है। कोरोना फैलने से पहले ही बीमार पड़े थे वुहान लैब के 3 रिसर्चर्स, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के खुलासे से फिर घिरा चीन। कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में 34 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के बावजूद इसकी उत्पत्ति को लेकर अब तक अटकलें ही लग रही हैं। दुनिया में कई देश इस खतरनाक वायरस के पैदा होने की वजह चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को मानते हैं। उनका दावा है कि चीन ने इस महामारी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को छुपाकर इसे पूरी दुनिया में फैलाया। अब नया खुलासा हुआ है कि नवंबर 2019 में इस लैब में काम करने वाले 3 रिसर्चर्स इतने बीमार हो गए थे जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। बड़ी बात यह है कि उस समय पूरी दुनिया कोविड-19 के नाम से अनजान थी। इसका खुलासा अमेरिकी मीडिया ऑफ स्ट्रीट जर्नल ने अज्ञात अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से किया है। माना जा रहा है कि इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोविड-19 वायरस के उत्पत्ति के बारे में काफी सहायता मिल सकती है। इस रिपोर्ट को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दिनों में स्टेट डिपार्टमेंट फैक्ट शीट में जारी किया गया था। धीमी हो रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 2,22,000 नए केस, 3,02,000 ठीक हुए। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी है। देश में रविवार को 2,22,704 लोग पॉजिटिव पाए गए। यह आंकड़ा पिछले 38 दिनों में सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,452 संक्रमितों की जान गई है। राहत की बात ये रही कि 3,02,083 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी। देश में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक कुल 3,03,751 लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। बच्चों के लिए कोवैक्सीन का जून में शुरू होगा ट्रायल। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी बच्चों के लिए एंटी कोविड वैक्सीन का अगले महीने से ट्रायल शुरू करने जा रही है। भारत बायोटेक के बिजनेस डेवलपमेंट और इंटरनेशनल एडवोकेसी हेड डॉक्टर राजेश एला ने कहा कि कंपनी अपनी एंटी कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन का पीडियाट्रिक ट्रायल्स जून से शुरू कर सकती है। भारत बायोटेक को हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 से 18 साल उम्र के बच्चों के क्लिनिक ट्रायल्स की मंजूरी मिली थी। डॉक्टर एला ने कहा कि अब तक के सफर में सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को ICMR के साथ मिलाकर बनाया गया है। सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की वैक्सीन का ऑर्डर एडवांस में दे दिया है। इसके बाद कंपनी ने बेंगलुरु और गुजरात में भी अपना विस्तार कर रही है। कंपनी इस साल के अंत तक अपनी वैक्सीन निर्माण क्षमता को बढ़ाकर 70 करोड़ डोज कर लेगी। यूपी में कम होती दिख रही है कोरोना की रफ्तार, सामने आए 5,000 से कम केस। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामलों में लगातार कमी आ रही है। यूपी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,844 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14,086 लोग इस दौरान कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। हालांकि इस दौरान 234 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 84,880 है। उत्तर प्रदेश में और राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस के आंकड़ों में लगातार कमी हो रही है। राजधानी लखनऊ में 24 घंटों के अंदर 301 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में मौत के आंकड़ों में कमी नहीं देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे के अंदर लखनऊ में 18 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई। लखनऊ में कोरोना वायरस से मरने वालों का संख्या 2,379 पहुंच गया है। उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के केस भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। राज्य में कोविड कर्फ्यू 1 जून तक बढ़ा दिया गया है।
वहीं अब बाजार खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है। अब बाजार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलेगा। अभी तक यह अवधि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक थी। इसके अलावा परचून की दुकानें 28 मई को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामले कम हुए हैं, लेकिन अब भी जो संख्या है वह कम नहीं है, इसलिए सरकार ने कर्फ्यू को बरकरार रखने का निर्णय किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।